नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक आरोपी को शाहजहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रोहित रोकड़े है, जो भोपाल के वाजपेयी नगर में निवास करते हैं। पुलिस टीम ने ईदगाह हिल्स के पास स्थित एक सरकारी स्कूल के कब्जे से 73.440 लीटर अवैध देशी शराब की जब्ती की है। इसकी कीमत रकम लगभग 26,520 रुपये है। आरोपी को अबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए न्यायिक दंड में पेश किया गया है। पुलिस इस कार्रवाई में निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान के निर्देशन में उप निरीक्षक पवन कुमार सेन एवं उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के पालन में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेट हेड साहिल की मध्य प्रदेश भोपाल से यह विशेष रिपोर्ट।